भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला चौथा T20 मैच भारत ने 8 रनों से जीतकर अपने नाम कर लिया। भारत ने 20 ओवर में 185 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड की टीम 177 रनों पर ही सिमट कर रह गई। अब भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मुकाबला यानी कि पांचवा T20 मैच 20 मार्च 2021 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पांचवें T20 मैच के लिए प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि कप्तान विराट कोहली वर्तमान विजयी टीम में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहेंगे। केएल राहुल ने पिछले 4 मैचों में खराब प्रदर्शन किया है और टीम को निराश किया है। इसके बावजूद उन्हें पांचवें T20 मैच में खेलने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए ईशान किशन को टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है। वहीं सूर्य कुमार यादव पांचवा T20 मैच खेलेंगे, क्योंकि चौथे T20 मैच में उन्होंने 31 गेंदों में 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली है। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच बने। केएल राहुल ने चौथे T20 मैच में 14 रन बनाए और अब जबकि वो पांचवा T20 मैच भी खेलेंगे, तो ऐसे में हमें केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिख सकती है। वहीं श्रेयस अय्यर ने भारत के मिडल ऑर्डर को मजबूत बनाने का काम किया है। चौथे T20 मैच में श्रेयस अय्यर ने 18 गेंदों में 37 रन बनाए और टीम को जीत की ओर ले गए। वहीं ऋषभ पंत भी अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी पिछली 4 पारियों में 21, 26, 25 और 30 रन बनाए हैं। वहीं अगर बात करें इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड की टीम T20 की नंबर 1 टीम रही है और इयान मॉर्गन नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई बदलाव किया जाए। आइए एक नजर डालते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पांचवें T20 मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत की टीम में खेलेंगे रोहित शर्मा, केएल राहुल, कप्तान विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार और राहुल चहर। तो इस प्रकार हमें पांचवें T20 मैच में भारतीय प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की। इंग्लैंड की टीम में खेलेंगे जेसन राय, जोस बटलर, डेविड मलान, जॉनी बेयरस्टो, इयान मॉर्गन कप्तान, बेन स्टोक्स, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और मार्क वुड। तो इस प्रकार हमें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 टीम पांचवें T20 मैच में देखने को मिल सकती है।